आपका बरेली देहात न्यूज चैनल में। हम पहुंचे इस समय उत्तर प्रदेश की 126 आंवला विधानसभा। कल 10 मार्च के लिए चुनाव परिणाम भी घोषित हो चुके हैं और हम पहुंचे हैं आंवला की ग्राम पंचायत भेटा बुजुर्ग में। और हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता वसीम खान जी। आइए हम सीधे सीधे उनसे चुनाव परिणाम को लेकर चर्चा करते हैं। स्वागत है आपका वसीम भाई। स्वागत है सर। सबसे पहले मैं विधानसभा की जनता के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे माननीय धर्मपाल सिंह मंत्री जी को विजय घोषित किया गया और बहुत ही अच्छे वोटों से विजय घोषित हुई है। तो हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री ये 5वीं बार विधानसभा में पहुँचेंगे और मेरा यही मानना है इन्होंने बहुत ही अच्छा रुझान दिया है। और जमीनी स्तर से आपने देखा होगा माननीय धर्मपाल सिंह जी कितने सक्षम हैं और जनता के बीच हर मुश्किल, हर दुख, हर सुख में साथ रहते हैं। और आपने ये भी देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना कब से काम कर रहे हैं। और एक चीज़ सबसे बड़ी बात ये है, माननीय धर्मपाल सिंह जी ने 5वीं बार विजय प्राप्त करने के बाद भी कभी कोई आदमी किसी जाति किसी धर्म को सबके साथ चले हैं जी। और सबसे पहले उनका बस यही नारा रहा है कि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबका विश्वास सबका प्रयास, ये जो है नारा उनका हमेशा कायम रहा है। और मैं एक चीज़ हमेशा ध्यान रखता हूँ डॉक्टर साहब, सबसे बढ़िया बात मंत्री जी की ये क्या रही है, हर वर्ग को, हर पिछड़े वर्ग से लेके सभी समाज को, सभी 116 विधानसभा में कोई आदमी कोई शख्स कोई जाति धर्म का ये नहीं कह सकता कि भाई मंत्री जी आपसे हम वो है, सभी प्रभावित हुए, जनता जनता सारी प्रभावित है जी। और बहुत ही अच्छी तरीके से। हमारे आपने सुना होगा निजाकत शाह मियां क्षेत्र पंचायत सदस्य जी हैं जी जी, उन्होंने बहुत मेहनत की है। और एक नाम और आपको मैं बताता हूँ, हमारे ग्राम भेटा बुजुर्ग की पश्चिम मढ़ी पर रहते हैं विजय देवनाथ जी, हाँ योगी विजय देवनाथ जी करके फेमस मैं है, हाँ मंत, और बहुत बढ़िया हमारे महाराज हैं वो बाबा जी। और यही बस उनका प्रयास है कि माननीय धर्मपाल सिंह मंत्री जी जो हमारे कैबिनेट स्तर के हैं 5 बार जीते हैं, अब जो जीत के आए हैं तो हमारी यहाँ की जनता पूरे क्षेत्र की जनता यही चाह रही है कि यहाँ से इन्हें कोई कैबिनेट स्तर के मंत्री बना के भेजा जाए या फिर हमारे डिप्टी सीएम के लिए। सबसे पहला हमारा लक्ष्य यही है, हमारी जनता भी चाहती है भाई जमीनी स्तर से हमारे काम विकास, आपने सुना होगा जो भी आप देखें कहीं भी आपने लिया होगा आप कहीं भी पीछे नहीं है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना, जी भाई ये भारतीय जनता पार्टी की पहली प्रमुखता। और सबसे एक प्राथमिकता ये रही है कि भाई महिलाओं के लिए, भाई सबसे पहले महिलाओं के लिए सिलेंडर उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो चलाई है तो सबसे बेहतरीन तरीके से आपने देखा घर घर तक गैस सिलेंडर निष्पक्ष तरीके से हम जी लोगों ने, हाँ राशन दिया है वो भी हमने बिल्कुल एक इस तरीके से दिया है, महीने में 2 बार दिया है क्योंकि हम भी यही चाहते हैं आम जनता एक गरीब पिछड़ा वर्ग जब तक उसको लाभ नहीं मिलता है तो ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है इसी में लाभ मिलता है। और सबसे अच्छी बात ये है आपने देखा होगा डॉक्टर साहब, हमारे क्षेत्र की 126 औला विधानसभा जी में, हाँ जितने भी कोई भी है हर वर्ग के आदमी को इस तरीके से मंत्री जी ने ऊपर ले जाने का काम किया है। और मेरे लिए भी कहते हैं वसीम खान आप मेहनत करिए जनता के साथ, तो मैं भी उसी हिसाब से जुड़ा हुआ हूँ, मैं यही चाहता हूँ हर गांव गांव जाए और हम लोगों का यही प्रयास है। तो आपने देखा होगा जिन जिन विधान जिस जिस जिले में हम लोग पूर्ण बहुमत से आए, हालांकि पूर्ण बहुमत से मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, जी हाँ ये मेरे 5 चरण जब हो चुके थे तो मैंने डॉक्टर साहब एक न्यूज आपको लिखा ली थी तो मैंने पहले बोल दिया था कि हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार
तो हम तो इसी में बना रहे हैं, 282 को सीट थी तो पूर्ण बहुमत तो हमारा इसी में हो लिया, तो हमने कहा हमारा काम इसी में हो गया, बाकी जनता के भरोसे पे हम लोग कायम थे। आगे आने वाले समय में आपने देखा होगा छठे चरण में हमने और ज़्यादा लीड ली, सातवां जो चरण रहा वो सबसे बेहतरीन, हम लोगों के सारे चरण सबसे बेहतरीन रहा। वसीम भाई, जैसा कि विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, तो इस पर आप क्या राय है? आपने देखा होगा जो विपक्ष जो है दूसरी पार्टियां अदर पार्टियां यही कहती हैं कि अगर विकास मुस्लिम समाज के लिए कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं विकास नहीं है। आपने देखा होगा हमारे लिए कितना, किस तरीके से हमारे मुस्लिम समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए कितना, कहीं भी आप ले लें पूरा मान सम्मान सब कुछ रखा, ऐसा नहीं है। और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग क्यों जुड़े भाजपा भारतीय जनता पार्टी से, भाई इसीलिए जुड़े हैं, हमें मालूम था कि हमारा अगर विकल्प है तो भारतीय जनता पार्टी है, बाकी हम लोगों को और पार्टियों ने ठगा है। आज तक कोई भी मुद्दा है सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है उसे निष्पक्ष तरीके से तुरंत निर्णय निकाल के मुद्दे को तुरंत खत्म कर देती है। आप बताइए यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर कितने मुद्दे चले जी, भाई लोगों ने उसने राजनीति रोटियां सेकी जी, भाई आपने देखा होगा यहाँ औद्या के लिए कितनी विकट रोटियां सेकी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है अल्पसंख्यकों के लिए आगे सब कुछ देखते हुए उन्हें एकदम निर्णय ले लिया, भाई कोर्ट का निर्णय था, ऐसा भी नहीं कि भाई भारतीय जनता पार्टी का निर्णय हो, ये हमारे कोर्ट के आदेश से और बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन सहयोग जो है सबसे पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी का जाता है इसमें पूर्ण बहुमत से। आज मैं यही चाहता हूँ योगी जी से, माननीय मोदी जी से, भाई भारत के लिए हमारे इसी तरीके से सेवा करते रहें, जनता के साथ लगे रहें, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश क्या केंद्र से हटा ले। और एक बात और है डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा वर्मा जी जब ये 2024 का इलेक्शन अब हमारे सिर पे है जी, लेकिन हम पूरी जनता को भरोसा है इस तरीके से जैसे जनता ने जता दिया ये 2022 में ये जता दिया कि हम लोगों का पूर्ण बहुमत से फिर 2024 में इसी तरीके से हम लोग और ज़्यादा मेहनत करेंगे, कहीं हम लोगों की कमी है तो उसे और ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आप, जो आपको लाखों लोग देख रहे हैं, अब क्या कहना चाहेंगे आप? जी हम बस यही हमारा वो है कि हमारे माननीय धर्मपाल सिंह जी यहाँ से कैबिनेट स्तर के मंत्री पाँचवीं बार विधानसभा में पहुँच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सेवा करिए, ऐसा नहीं है, जनता की सेवा करिए, इसीलिए भाई जनता भेजती है इन्हें विधानसभा। तो मेरा लक्ष्य यही है भारतीय जनता पार्टी हमारे मंत्री जी को, माननीय धर्मपाल सिंह मंत्री जी को लखनऊ से जब भेजे तो एक डिप्टी सीएम बना के भेज दे, ये हमारे अल्पसंख्यक समाज सारे समाज बहुत अच्छी तरीके से खुश होगा। ऐसा नहीं है, सारा आपने देखा होगा पिछला वर्ग जाति अनुसूचित जाति जनजाति सारी जातियों को जितना भी सबको लेकर चले हैं मंत्री जी ने बहुत ही सहयोग दिया है, जिसको भी कहते हैं बेटा अगर किसी को कोई तकलीफ है तो आज बेझिझक होकर सीधा आप उनके पैतृक गांव गुलड़िया में जी पहुँचे तो पूरा मान सम्मान मिलता है, अब पूरी बाकायदा देखभाल होती है। और उसमें बस मेरा यही कहना है भाई सभी लोगों से, सबसे पहले औला 126 विधानसभा जो आती है औला की जनता का सबसे बड़ा आभारी मैं इसी बात पे बनता हूँ, मंत्री जी के लिए आप लोगों ने बहुत अच्छे वोटों से अच्छे प्रयासों से आपकी मेहनत सफलतापूर्वक कामयाब हुई है, बस मेरा यही सभी लोगों से नमस्कार और सभी लोगों से धन्यवाद। देखिए हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के नेता वसीम खान जी, और लगातार हम ऐसे प्रतिष्ठित और भारतीय जनता पार्टी के जो वास्तव में जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग हैं उनसे आपको लगातार अवगत करा रहे हैं। बने रहिए बरेली देहात में।